हिमालय की चोटी से लेकर अंडमान निकोबार तक भारत में 700 से अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं। उन जनजातियों में 75 जनजातियां ऐसी हैं जो बाकी जनजातियों से बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। 18 राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 23,000 गांवों में रहने वाले इन 15,00,000 अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति परिवारों के सदस्यों की संख्या लगभग 39,00,000 है। ये जनजातीय समुदाय जो अभी तक अपने मौलिक अधिकारों से भी वंचित थे, उनके आर्थिक सामाजिक उत्थान हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्म जयंती 15 नवंबर 2023 जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर खूंटी झारखंड से एक ऐतिहासिक प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का शुभारंभ किया। आजादी के बाद कई दशकों तक आदिवासी समाज को लगातार नजरअंदाज किया गया। अब हमारी सरकार उन आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचेगी जिन तक अभी नहीं पहुंचा गया। इस आदिवासी समाज के लोगों को कभी पक्का मकान नहीं मिला। इनकी कई कई पीढ़ियां में बच्चों ने स्कूल तक देखा नहीं है। इस समाज के लोगों के कौशल विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए अब इन जनजातियों तक भारत सरकार विशेष अभियान चलाकर पहुंचने वाली है। पिछले 2 माह में 100 से अधिक जिलों में 7,500 से अधिक कैंप लगाए गए हैं, जिनमें आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जनधन खाता बनाए जा रहे हैं, ताकि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं से वंचित ऐसे लोगों को इसका लाभ मिल सके। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विगत 2 माह में 4,700 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसमें अब तक 1,00,000 लाभार्थियों को पक्के घर और 400 से अधिक अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बसाहटों में 1,200 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की गई है। साथ ही 100 छात्रावास, 900 आंगनवाड़ी, 100 मेडिकल यूनिट, 400 मल्टीपर्पज सेंटर और 400 वनधन केंद्र, 6,500 से ज्यादा टोलों में, 70,000 से ज्यादा घरों में बिजली की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, 500 गांवों के लिए 200 से ज्यादा मोबाइल टावर भी स्वीकृत किए गए हैं, जिससे इन सुदूरवर्ती गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच पाएगी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी हर घर नल पहुंचाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। जनजातीय सशक्तिकरण गौरवशाली भारत के संकल्प के साथ केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय कल्याण के लिए लागू की गई पीएम जनमन योजना एक दूरगामी पहल है, जो जनजातीय विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। आइए हम सब मिलकर इस महाअभियान में आगे बढ़कर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में इन प्रयासों को साकार करें और देश के जनजातीय भाई बहनों के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें।